welcome back to my channel. This is Shivangi and in today's video I want to share beginner's makeup. तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगी कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मेकअप में जो एक बिगिनर की किट में होना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूं कि बेस में क्या होना चाहिए. सबसे पहले जो एसेंशियल थिंग है वो है बीबी क्रीम. फाउंडेशन का एक्चुअली में क्या होता है कि फाउंडेशन को आपको ठीक से ब्लेंड करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ब्लेंड करना अच्छे से नहीं आएगा तो फेस पे ऐसा ही लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब वाइट हो रखा है. ठीक है, क्योंकि मेन उसका काम होता है कि आपको ब्लेंड करना आना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई भी अच्छी बीबी क्रीम उसके साथ मॉइस्चराइज़र मिलाकर, क्योंकि बीबी क्रीम अगर हम एकदम से लगाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है स्किन को. फिर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र मिला के आप क्या करेंगे उसको अपने फेस पे एज अ फाउंडेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी बिगनर की किट में एक बीबी क्रीम ज़रूर होनी चाहिए. मेरे पास ये पॉन्ड्स की है, आप कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, मुझे पॉन्ड्स ज़्यादा अच्छा लगता है. थिंग जो है मोस्ट असेंशियल वो है आपका कॉम्पैक्ट. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट में मैं लैक्मे सन एक्सपर्ट यूज़ करती हूँ जिसका SPF 40 है. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडी भी है और बहुत ज़्यादा फेस पे ब्राइट नहीं लगता. तो आई सजेस्ट कि बिगनर की किट में एक कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए. ठीक है, जब मेकअप की बात करें काजल का नाम नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो थर्ड जो मोस्ट असेंशियल थिंग है किट के लिए पूरी वो है काजल. ठीक है, तो कोई भी अच्छी कंपनी का आप काजल यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये ब्लू हेवन का है, उसके अलावा लैक्मे का यूज़ किया है मैंने, वो भी मेरे लिए ठीक लगता है, मेबेलिन भी अच्छा लगता है. तो आपको जो ठीक लगता हो वो आप उस कंपनी का काजल आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट हमेशा ये याद रहे कि जो काजल हो वो स्मच प्रूफ हो, क्योंकि जब वो फैलने लग जाता है ना, अगर मतलब हम कोई अच्छा काजल यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, पूरा मेकअप रून कर सकता है. ठीक है, तो काजल होना ज़रूरी है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मस्कारा. आप कोई भी अच्छी कंपनी का मस्कारा ले सकते हैं. मेरे पास ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल मस्कारा है. इसका जो एप्लीकेटर है ना वो इस टाइप का आता है, कर्वी दिख रहा है आपको. ठीक है, तो इसको अगर आप आईलैशेस के साथ में लगाते हो तो उसको अलग से ही वो वॉल्यूम देता है, अलग से ही टेक्सचर दिखता है. आईलैशेस बहुत ज़्यादा थिक दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये सजेस्ट करूँगी मैं, ये भी आपकी किट में होना चाहिए. बहुत ज़्यादा लगाने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजिली आप लगा सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है लाइनर. ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी का लाइनर यूज़ कर लीजिए. अगर आप लाइनर आपको बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे से लगाना आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि काजल को एज अ लाइनर यूज़ करिए आप. ठीक है, क्योंकि ये ब्रश वाले लाइनर से ज़्यादा बेटर रहता है काजल वाला लाइनर लगाना. ठीक है, तो मतलब जो मैं सजेस्ट करूँगी आपको वो है आपका कोई भी अच्छी कंपनी का आप लाइनर ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे एलिटीन का लिया हुआ है, इसके अलावा आप लैक्मे भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो है आपकी लिपस्टिक. ठीक है, लिपस्टिक कोई भी आप ले लीजिए, लिप शेड. ये मेरे पास एक एलिटीन का है और इधर ये मेरे पास मैक भी है. तो आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको ग्लॉसी पसंद है तो ग्लॉसी ले सकते हैं, मैट पसंद है तो मैट ले सकते हैं. मैट लेंगे तो उसको ग्लॉसी बनाना इजी है, वो आपका दोनों एक साथ काम करेगा. जैसे आपने कोई भी मैट लिपस्टिक को यूज़ किया उसके बाद में लिप ग्लॉस लगाया वो आपको पूरा ग्लॉसी लुक देगा. ठीक है, नेक्स्ट जो थिंग है वो है लिप ग्लॉस. यहाँ मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट की प्लम्प एंड शाइन की लिप ग्लॉस है, बहुत अच्छा टेक्सचर देती है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सबसे बढ़िया बात जो है लिप ग्लॉस की वो ये है कि अगर आप लिप ग्लॉस को विदाउट लिपस्टिक भी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा लगते हैं, लिप्स एकदम शाइनी लगते हैं और मेकअप को मतलब बहुत मतलब एक ग्लॉसी लुक अगर आपको चाहिए, न्यूड नहीं चाहिए तो आप लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हो. तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपके पास लिप ग्लॉस होना चाहिए. नेक्स्ट जो है कि अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो कोई भी अच्छी कंपनी का फाउंडेशन लेना. मेरे पास मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन है 115 आइवरी. ठीक है, और उसके लिए फाउंडेशन जो है आपका वो किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए. उसको ब्लेंड करने के लिए आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप के लिए, वरना अगर आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम हाथ से ब्लेंड करते हो तो इतना ईजिली नहीं ब्लेंड हो पाता इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ब्लेंडर. तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी आपकी किट में होना ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है मैं थोड़ा सा मैंने अभी बात की है सारी मेकअप की, तो मैं बता दूँ कि दो चीज़ें हैं जो मैं एडिशनल यूज़ करती हूँ. मतलब ये तो सारा आपका ज़रूरी है ही है, उसके अलावा मेरे पास ये वैसलीन की पेट्रोलियम जेली है जिसको मैं हमेशा अगर मैं कोई मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ उससे पहले मैं हल्का सा मतलब, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते हैं लिप्स पे भी तो लिप्स कैसे चैप्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो हाँ, तो उस केस में आप क्या करोगे, कोई भी लिप शेड अप्लाई करने से पहले आप पहले थोड़ा सा होंठों पे
लिप्स पे अपने वैसलीन की पेट्रोल में जल्दी लगाएंगे तो लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ। नेक्स्ट जो है जॉनसन बेबी ऑयल है, मैं इसे हमेशा अपनी किट में रखती हूँ क्योंकि मैं इसे एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ। ठीक है, मेकअप रिमूवर की तरह आप कैसे कर सकते हो कि अगर एक आप कोई खाली सी बॉटल या कोई भी बोल लेना है आपको, उसमें ये ऑयल के 2 या 3 ड्रॉप्स डालनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना है और कॉटन की हेल्प से आप पूरा अपना मेकअप छुटा सकते हो। अगर आप उसमें वाटर नहीं भी मिलाना चाहते हो तो डायरेक्टली इसको कॉटन में लेके आप आराम से अपना मेकअप एज अ मेकअप रिमूवर इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इतना सारा सामान होने के बाद आपके पास ये चीज़ होना आपके बैग में ज़रूरी है। उसके अलावा आपके जो पूरी किट जो बनी है उसमें किट में एक चीज़ और होनी चाहिए कि कॉटन के पैड या फिर फेस वाइप भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा जो सामान है जो मैंने अभी आपको एक एक करके बताया, ये सारे प्रोडक्ट बिगनर्स की किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेकअप पसंद करते हैं करना तो आपको ये सारे सामान जो हैं ये बेसिक सामान है। ठीक है, तो आपको इतने सारा प्रोडक्ट आपके किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे और क्या क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नए हैं तब भी आप वीडियोज़ को शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।